जनाब आज हम पकाने जा रहे हैं दाल वेजिटेबल खोरमा। मसाले अपने मर्जी से पाओ, प्याज पाओ, थोड़ा भुन लो, भुन के उस पा दो दाल। दाल कड़ी है कि मूंग की दाल। मूंग की दाल को थोड़ा सा डालने के बाद मसाला जब भूनना शुरू हो जाए, समझ ले इसके अंदर खुशबू आ रही है, तो थोड़ा सा पानी डाल दें। थोड़ी सा पानी डालने के बाद उसके बाद आलू डाल दें। आलू डालने के बाद क्या होगा कि इसको थोड़ा नरम होने के लिए ना 5-1 मिनट तक पकाएं। 5 मिनट के बाद इसमें डालें आप टमाटर, और जब आप टमाटर डालेंगे तो वो हो इसके अंदर फिर आपके देखें ना मसाला जो बनता ही टमाटर से है। टमाटर मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, सब जो मर्जी अपने डालते जाएं। लेकिन ये मैं आपको पहली बार कहते हैं मुगल साहब है कि बना रहे हो दाल च आलू दाल करो, आलू गोश्त तो हम बनाते हैं नहीं, उसका मज़ा आएगा। फिर आपने इसमें क्या करना है, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, और ये ना लींबू है ना, लींबू के काट के पीस डालना है, सूप नहीं डालना उसका। जब आप कटे हुए लेमन को डालते हैं ना तो उसके अंदर जो उसका वो फ्लेवर होता है ना खट्टे मीठे और कोड़े का, वो इसको टेस्ट देता है। और इसको थोड़ा सा जब आप भुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़ा अजीब सा टेस्ट, कहते होंगे नहीं बल्कि ज़बरदस्त का टेस्ट, आपने आप तक खाया नहीं होगा। तो ये जो बनता है ना वेजी कौरमा, इसका यही मसला है कि इसके अंदर जो एंड में टमाटर और जो लेमन का टेस्ट है ना वो बनाता है। उसके बाद ले आप बासमती राइस, ये लॉन्ग एक्स्ट्रा बासमती राइस हैं जिसको XXL बोलते हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ जब आप खाएंगे तो दाल भात, आहा क्या बात है इसकी जनाब। ये देखिए लंबे लंबे चावल हैं, इसके ऊपर आपने जो वेजिटेबल कौरमा डाला है, साथ प्याज, साथ थोड़ा सा इसके अंदर जो अपना ये प्याज का जो है ना सूटा लगा दें इसके साथ, सूटा के बूटा जो भी है तड़का लगा के, जब इसको एक चमचा खाएंगे तो आहा पता लग जाना जनाब, ये तो बढ़िया वेजिटेबल कौरमा, आप दंग रह जाएंगे। ठीक है।